अनंत लंबाई के रैखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर वो जो रॉड का लेंथ है अगर उसका लेंथ इनफाइनाइट हो जाए अगर वो कांस्टेंट ना रहे जैसे इधर आप डॉटेड कर लो इधर आप डॉटेड कर लो तो इधर आप आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट आप ले रहे थे ये जो पॉइंट आप ले रहे थे अब चूंकि इसका लेंथ इन्फिनिटी है तो यहाँ से आप लेंथ यहाँ था तो ऐसे मिला रहे थे अभी लेंथ इन्फिनिटी होगा तो ऊपर से जाके मिला होगा तो पता ही नहीं ना कहाँ से तो ये इन्फिनिटी होगा तब तो ये इधर जाके ऐसे मिलेगा तो ये एंगल किधर जाने लगेगा नाइन्टी की तरफ और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये भी एंगल ऐसे मिला होगा तो ये किधर जाने लगेगा नाइन्टी की तरफ तो बेसिकली जब रॉड का लेंथ इन्फिनिटी हो जाता है ये जो रॉड की लंबाई जो होती है ये जो लंबाई होती है ये जब अनंत हो जाता है तो टॉटेड लगा हुआ है इसका मतलब अब समझ जाना कि इनफाइनाइट लेंथ की बात चल रही है तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पे जो है सो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो निकालने का तरीका है कि पहले ई e एक्स निकालो तो ई e एक्स हमारे पास है के एम वाई आर और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा तो अल्फ़ा बीटा इस केस में इस केस में जो हमारा अल्फ़ा हो जाता है वो नाइन्टी डिग्री हो जाता है और जो हमारा बीटा है वो भी नाइन्टी डिग्री हो जाता है तो अगर यहाँ साइन नाइन्टी अल्फा की जगह में कर दू यहाँ पे साइन बीटा की जगह पर नाइन्टी कर दो ये वन वन मिलकर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा तो एक्स कितना जाएगा टू के लैमडा बाई आर क्लियर अब अगर मैं यहीं पे EY निकाल लू तो EY का फॉर्मूला क्या होता है K r cos तो बीटा तो 90 है अल्फा भी नाइनटी है ये जीरो हो जाएंगे पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा जीरो आएगा अब इस पॉइंट पी पर मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र मेरे को चाहिए तो अंडर रूट हमारे पास फॉर्मूला क्या है ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर तो ई वाई तो मेरा जीरो हो गया तो खत्म कहा नहीं तो बच गया क्या सिर्फ ई एक्स का स्क्वायर यही बचेगा ना जीरो ऐड करोगे तो वो रूटा इसमें से रूट में से क्या निकल जाएगा ई एक्स और ई एक्स का वैल्यू पता है हमें यहाँ पे टू के लेमडा वाई आर इसका क्या मतलब चला कि यहाँ पे हम लोगों का टू के लेमडा वाई आर अगर रॉड का जो लेंथ है रॉड की लंबाई तो अच्छा नहीं, नहीं तो 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 बोर्ड पे दिखता है ना थोड़ा सा वैसे ही सोचते हैं हम लोग ये रॉड है तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है आप इधर भी सोच सकते हो ऐसे भी सोच सकते हो इधर भी सोच सकते हो आप चारों तरफ किधर भी सोच सकते हो आर डिस्टेंस पे ठीक है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारा के वाई ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए ठीक है इसके प्रूफ करने के प्रोसेस कल से आप आज तक देख रहे हो कि कितना प्रूफ हुआ था ये फॉर्मूला आपने देखा था ठीक है तो प्रूफ करने के प्रोसेस के डेप्थ में नहीं जाना आपसे जब भी मैं पूछूंगा तो ज्यादातर केस में आपसे ये पूछा जाएगा और मैक्सिमम टाइम में फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है क्लियर ठीक है अच्छा ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम में आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके बनाने के तरीके ये नहीं है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था वो क्यों पढ़ाया था इसलिए पढ़ाया था क्योंकि देखो आ, इससे सारे क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसलिए मैंने कल पढ़ाया था वैसे उस तरीके से इंटीग्रेशन करके दिखाया था क्लम्ब लॉ से लाया था एक तरीका क्या है हम लोग अभी आने वाला जस्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तुरंत थोड़ी देर में फ्लक्स तो फ्लक्स पढ़ेंगे फ्लक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉसिस सोरम गौस का लॉ पढ़ेंगे गॉस का नियम जब गौस नियम हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि गॉस नियम अप्लाई करके गॉस थ्योरम अप्लाई करके आप किसी भी मतलब अलग अलग आवेश वस्तुओं के कारण आप करोगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन करोगे विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो सेम केस देखना यही सिचुएशन हम लोग उठाएंगे कि अनंत लंबाई का एक रॉड है और इसके कारण आठ डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है आप देखोगे कि वो जो तरीका होगा बहुत सरल होगा आपको लगेगा सर यही क्यों क्यों नहीं पढ़ाते तो बार बार आपको ये बात लगता होगा कि सर आप ई वाला आसान क्यों नहीं पढ़ाते पहले भारी क्यों पढ़ाते हो तो ये समझो मेरा ये कहना है कि आपको पढ़ने सब हैं ठीक है अब कौन पहले पढ़ाना है कौन बाद में पढ़ाना है आप देखे होंगे अगर डाइपोल वाला सही से आपको किस्सा याद हो तो वहाँ पे मैंने ये साबित करके भी दिखाया था कि पहले वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट था आई बात समझ में तो धीरे धीरे जो है सो की ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हाँ पहले सर ऐसे ये क्यों पढ़ा रहे है फिर उसके बाद ये क्यों पढ़ा है उन्होंने ठीक है ये चीज़ है तो अभी जो आपको करना था जैसे करना था वैसे ही करने हैं जैसे यहाँ पे बताया गया है

जब तो रॉड की लंबाई इन्फिनिटी हो गया तो अल्फा बीटा तो 90 हो गया तो पहले ही सॉल्व करके आप बैठे टू के लैमडा बाईर होता है वैल्यू आपको पता है लैमडा जैसे कॉन्स्ट होता है आर सिर्फ डिस्टेंस हो मेरे से रॉड का डिस्टेंस है तो किस पॉइंट पर चाहिए आंसर बता दूंगा मैं अरे रिहाना बोलो ठीक है तो ये बड़ा सिंपल चीज हो जाता है कोई टफ नहीं टफ नहीं रहता ठीक है तो इसका रिजल्ट बहुत आसान है तो याद रखना प्लीज यदि बिंदु पर अनंत लंबाई के रॉड यदि बिंदु यहाँ पे ये वाला टर्म थोड़ा सा नहीं होना चाहिए तो मैं हटा दे अब पढ़ सकते हैं हम लोग शायद पढ़िए जरा यदि बिंदु अनंत लंबाई के रॉड के एक सिरे पर हो रॉड के एक सिरे पर हो कि यहाँ पे लगा लेना रॉड के एक सिरे के नजदीक हो यहाँ पे ठीक है ऐसा कुछ है कंडीशन जैसे रॉड की जो लेंथ है वो इन्फिनिटी है ऐसे डॉट 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 ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है इनफाइनाइट लेंथ है लेकिन इसका एक एंड मैं पकड़ लेता हूँ एक सिरा पकड़ लेता हूँ कोई भी और इस सिरे के सामने अगर मान लो कि आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P और इस बार यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ठीक है तो ये मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा तो चलो थोड़ा सा यहाँ पीछे वापस आते हैं इस डायग्राम को देखना अगर अगर यहां पे मेरे पास नहीं यहां भी नहीं मेरे पास सोचना जरा एक ऐसे रॉड है ये है और इधर एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ ये इसका यहाँ से डिस्टेंस ये आर है और जैसो कि ये एंगल हम लोगों का बीटा है और ये वाला एंगल हम लोगों का अल्फा है ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ किसी एक सिरे को पकड़ के रख लेता हूँ और एक सिरे को बढ़ाता हूँ क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट करने हैं तो अगर कि यहाँ से डॉट लगा दूँ तो आप मुझे बताओ कि अगर ये रॉड की लंबाई बढ़ रही है ठीक है तो मान लो यहाँ तक जाता तो ये जो लाइन आपको ऐसे दिख रहा है हम लोग ऐसे मिलाते अरे ना बोलो ठीक है अच्छा अब आप सोच के देखो कि अगर एक तरफ ये आगे की तरफ इंफिनिटी की तरफ ये जा रहा है तो बताओ अल्फा बढ़ते बढ़ते किधर जाएगा जाएगा क्लियर अच्छा ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर भी नहीं है ये पॉइंट जो है इस रॉड के जो एक सिरा है उसके सामने है एक काम करता हूँ इतना ही आर डिस्टेंस में मैं यहाँ लेके आता हूँ इस लाइन को और इस पॉइंट को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ और फिर यहां से इसको मिलाता हूं ध्यान से देखो जो नीचे वाला बीटा था ना वो यहां से थोड़ा कम दिखेगा आपको अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा उसी डिस्टेंस पे इतना ही डिस्टेंस पे और नीचे लेके आ जाऊं और फिर जो है सो कर की यहां से मैं क्या करूं इससे ऐसे मिलाऊं ना तो पता लगेगा कि ये वाला जो एंगल होगा और कम हो जाएगा कुछ समझ आ रहा है इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट जो हम लोग ले रहे हैं रॉड से कुछ दूरी पर अगर एक सिरे के सामने हो एक सिरे के सामने हो एक्जैक्टली यहां पे हो आर डिस्टेंस पे तो इस कंडीशन में जो हमारा बीटा होगा वो हो जाएगा जीरो डिग्री और जो अल्फा होगा वो हो जाएगा नाइनटी डिग्री आया ना दिक्कत ठीक है आराम आराम से समझ लो जो दिक्कत है आप बोलोगे मैं फिर से क्लियर कर दूंगा ठीक है या वीडियो बनाता हूँ मैं अपलोड करता हूँ रिवाइन करके देखते रहना हाँ बोलिए सर बिल्कुल तो बीटा नाइन्टी हो जाएगा अल्फा जीरो हो जाएगा अगर इसको दूसरे एंड पे लेके जाऊंगा तो ये नाइनटी हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा और रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है आप करके देखो एक्सपेरिमेंट करके देखो चलो दिखाते हैं ना अभी समझ में आया आपको अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस दूसरे वाले एंड के सामने लेके चला जाऊं और इधर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो क्या होगा ऐसा सिचुएशन ठीक है इसका क्या मतलब हुआ कल आप आए थे क्लास में कल नहीं आए थे पढ़े हैं आप तो उसमें मैंने कल वाले वीडियो में एक चीज बताया होगा कि इनफाइनाइट लेंथ का क्या मतलब होता है लेंथ का मतलब वाकई इनफाइनाइट लेंथ आपको नहीं मिलने वाले हैं अगर ये जो ये पता है कौन सा किस बात कर रहा हूँ जैसे ये रॉड है तो पॉइंट में कहा ले रहा हूं यहां पे ले रहा हूं इसके ठीक एक सिरे के सामने है लेकिन बहुत पास में है इसका लेंथ भी इस पॉइंट के लिए इन्फिनिटी हो गया अब सोच के देखो इस यहाँ से उस ये जो बगल में पॉइंट है जस्ट बगल में पॉइंट है ऐसे लाइन गिरा के देखो ऑलमोस्ट नाइन्टी बनेंगे ऊपर वाले और यहाँ वाला जीरो हो जाएगा सोचो हाँ ना की बात समझ में आ रही है ठीक है तो ये जो पॉइंट है ना इस रॉड के जितना ही पास रहेगा इस रॉड का लेंथ इसको उतना ही इनफाइनाइट टाइप का फील होगा बात समझ में आ रही ठीक है ये वाला सिचुएशन है तो आप इस पॉइंट को यहां लेके रखो नहीं तो फिर यहां लेके रखो अच्छा ऐसे सोचोगे कि इनफाइनाइट नेचुरली सोचो कि अनंत लंबाई तो अनंत लंबाई का शुरुआत भी नहीं पता होता तो भाई अंत भी नहीं पता होता तो कहां से हम लेके आएंगे बात समझ में आ रही है। अगर अगर टू द पॉइंट बात करो और इस बात पर अर जाओ कि सर अनंत लंबाई का शुरुआत कैसे पता आपको जैसे मैं बोलू एक रेखा की लंबाई कितनी होती है तब क्या बोलोगे एक लाइन का लेंथ क्या होता है इनफाइनाइट होता है तो मैं पूछूं कि शुरू कहां से होता है कहीं से मुझे नहीं पता भाई ये देखो दोनों तरफ एरो लगाते हो ना रूल तो यही है ना आप एरो हटा ही नहीं सकते हो आप मेरी बात समझ पा रहे हो ठीक है तो ये जो है सो की थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अलग बात है इनफाइनाइट का मतलब मैंने अच्छे से बताया है कि उसका क्या सेंस है ठीक है तो अभी जो है सो की यहाँ पे एक एंगल अल्फा नाइनटी हो जाएगा दूसरा एंगल जीरो हो जाएगा क्लियर अगर इधर रखोगे तो बीटा जीरो हो रहा उधर रखोगे तो नाइन्टी अल्फा नाइन्टी हो रहा उधर रखोगे तो अल्फ़ा जीरो हो जाएगा बीटा इधर नाइन्टी हो जाएगा तो कोई नहीं आप फिर से निकाल लो ई एक्स निकालो क्या फॉर्मूला हमारे पास पहले एल एम वाई आर वो करो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए ये साइन नाइन्टी आ जाना चाहिए प्लस साइन जीरो हो जाना चाहिए हाँ या ना अब साइन जीरो तो जीरो होता है साइन नाइन्टी वन वन में जीरो ऐड करेंगे वन आएगा वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा तो ई एक्स बराबर क्या आ जाएगा k एमडा वाई आर क्लियर है तो यहां पर जो है सो बराबर के एल एमडा वाई आर हो गया ये ठीक है अब जरा ईवाई निकालो अच्छा एक बात बताओ अगर ये 90 हुआ ये 90 हुआ और ये जीरो हुआ तो ये रिजल्ट आया अगर ये जीरो होता और ये 90 होता तो यही आता कि अलग आता एक से ही आता नहीं बदलता आई बात समझ में ठीक है अब ई वाई भी देख लो दिखा देता हूँ ई वाई बराबर बोलो क्या होता है के एल वाई आर बोलो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा यही होता है ना तो आपका बीटा कितना है जीरो डिग्री क्या है ये जीरो डिग्री और ये क्या है बताओ नाइन्टी डिग्री होगा तो अगर ये नाइन्टी हुआ तो कितना होगा अरे बोलो कॉस तो नाइन्टी क्या होता है जीरो और ये अगर जीरो हुआ तो कितना वैल्यू होगा वन तो वन में से जीरो घटा तो वन आएगा फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा तो कि एल डावाई यार क्लियर वापस आते हैं अगर सोच के देखो कि बीटा ना जीरो करके बीटा नाइन्टी हो जाता और ये हम लोग का जीरो डिग्री हो जाता तो क्या फर्क पड़ता अगर ये 90 होगा तो ये खत्म हो जाएगा ये जीरो होगा तो वन होगा बस यहाँ माइनस वन आएगा तो तो पह, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया परिमाण वही रहा माइनस क्यों आया बताता हूँ माइनस इसलिए आया सोचो कि आप जब इधर आ रहे हो सोच के देखो जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के आप इधर आओगे सोच के देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज है इधर के पॉइंट पर निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर होगा और इसके ऊपर जाओगे तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज रखे हो तो इधर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है इधर के पॉइंट पर इधर होता है दोनों पॉइंट पर सेम थोड़ी ना होगा यहाँ प्लस चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तो निगेटिव क्यों आ रहा है उस निगेटिव साइन का ये मतलब है कि इधर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो इधर के पॉइंट पर जस्ट उसका ऑपोजिट है

तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो दोनों के अगर परिमाण बराबर हो तो उसके एक के परिमाण में सीधे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो याद आया वेक्टर वाला तो बहुत जल्दी करना उस, उधर भी नहीं जाना बस ऐसे कर दो रूट दोनों के परिमाण बराबर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा कोई दिक्कत और एक सिंपल तरीका और आज से बात कर लेता वो सिंपल तरीका क्या है ये दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा ये वाला तरीका आप लोगों ने सबने वर्ग पढ़ा होगा अरे बोलो हाँ या ना वो जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं प्रत्येक को नाइनटी होता है पढ़ा ना आपने आप मुझे एक बताओगे अगर इसका भुजा ए ए होता है तो इसका विकर्ण कितना होता है ए रू टू क्यों होता है दिमाग लगाओ इसकी लंबाई इसके लंबाई के बराबर अरे बोलो हाँ या ना तो ध्यान से देखोगे ना इसमें तीर लगा दो इसमें तीर लगा दो ये हेड टू टेल वैक्टर हो गया देखो रिजल्ट हो गया नहीं समझ में होता है कि नहीं होता है तो वर्ग का जो विकर्ण होता है ना स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो बेसिकली इन दोनों का रिजल्ट होता है तो इन दोनों के परिमाण बराबर तो इसका रिजल्ट कितना आता है साइड रूट टू जैसे भी करना रूट टू वैसे कर दो जो इसका मैग्नीट्यूड मैग्निट्य तो रूट टू तो से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाता है अरे बोलो है ना कोई तो दिक्कत आइए तब क्यों नहीं बताया था अभी बता रहे हैं एक समान आवेशित वृत्ताकार वलय या छल्ला के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपको पढ़ा चुका हूं आपको अगर याद हो तो रहेगा सब ना ना हमको यादें नहीं है ऐसा कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सच बोलना सब इधर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इका पढ़े थे बताओ फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी अगर ये डिस्टेंस एक्स नॉट है इसका रेडियस कैपिटल आर है जल्दी से बताओ के इस पे टोटल चार्ज मान लो क्यू है के क्यू बटा पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे पढ़ाए है ना ये वही केस है हेडिंग के बस यहाँ फॉर्मूला नोट कर लेना चाहो तो फिर से वापस यहां पर प्रूफ करना हो तो मन करे तो कर लेना ठीक चलो एक जो चीज था एक हम लोग और कंडीशन कर लेते हैं अगर मान लो कि हम लोगों के पास ये रॉड है ठीक है और ये जो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं ना एक्जैक्टली exactly इस रॉड के बीच की कहानी है सुना इधर रहे आपको ये जो है डिस्टेंस है आर लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कहाँ गया कहाँ गए हम लोग ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो ठीक इसके बीच में आ रहा है और ये वाला लाइन ऐसे यहाँ से हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया लगता है मेरे को बात शांत है तो मैं चिल्ला लूंगा हम्म तो आपका क्या राय है जरा बताएंगे आप लोग आप लोगों की राय क्या है बताओ तो कि इस एंगल के बारे में और इस एंगल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा बनाने में ये ऊपर ही हो गया है कोई बात नहीं एग्जैक्टली ये बीच वाला सिचुएशन है तो आपको सोचना है कि इस अल्फा और इस बीटा के बारे में आपकी क्या राय है दोनों इक्वल होंगे अरे ना बोलो हाँ ज्यादा खुशी के चक्कर में पैंतालीस पैंतालीस मत बोल देना सर तीस तीस पैंतालीस पैंतालीस ये नहीं पता है आपको क्यों नहीं पता है क्योंकि अगर ये पॉइंट यहां है तो इसका कुछ वैल्यू अलग होगा लेकिन इसी लाइन पर अगर ये पॉइंट यहां आ जाए तो फिर ये एंगल देखो बढ़ जाएगा इसी लाइन पर अगर ये पॉइंट दूर चला जाए तो एंगल और ये कम हो जाएगा

ठीक है ये जो अल्फा और बीटा इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकता है और वो इंफॉर्मेशन ये है कि भैया आपका अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा बराबर और इस कंडीशन में अल्फा बीटा दोनों को आप क्या मान सकते हो थीटा क्लियर तो अगर हम लोग थीटा मान लें तो सवाल ये है कि तब हमारा ई एक्स कितना हो जाएगा तो आई होप आप समझदार हो के एम डावाई आर टू साइन थीटा हो जाना चाहिए ब्रैकेट में साइन अल्फा अल्फा प्लस साइन बीटा था अल्फा तो के जगह भी थीटा रखा बीटा के जगह भी थीटा रखा तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो साइन थीटा हो गया ना हो गया ना, के लैमडा वाई आर टू साइन थीटा इसी को मैं क्या कर सकता हूं टू के लैमडा वाई।, वाई आर ये साइन थीटा और ई वाई कितना हो वा जाएगा बोलिए आ, बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आपका जो EY है वो क्या हो जाएगा जीरो बात समझ में? ठीक है, एंगल नहीं पता है। फिर घटा तो तो करके रिजल्ट क्या जाएगा जीरो तो ईवाई खत्म हो जाएगा तो कहानी क्या बचेगा कि इस कंडीशन में मतलब इस पॉइंट पे ध्यान से सुनो इस लाइन के बीच वाले लाइन के इस रॉड के ठीक बीच से जो लाइन जा रहा है इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर ईवाई जीरो होगा सिर्फ बचेगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा यानी ऐसा रहेगा टू के आपको दिख सकता है क्या कि जो हम लोग इनफिनिट लेंथ वाला काम कर रहे थे अनंत लंबाई वाला जो पहला केस था उसका क्या आया था जरा बताओ टू के लैमडा वाई आया था आया था मैंने बोला था याद कर लो अभी के अभी तो जरा ये जो थीटा है ना इसको नाइन्टी करके चेक करो क्योंकि ये थीटा क्या था बताओ अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर थे तभी तो थीटा किया था हमने और अनंत लंबाई के केस में दोनों क्या हो जाते हैं अरे बोलो हाँ या ना अनंत लंबाई के केस में दोनों नाइन्टी हो जाते हैं तो यहाँ थीटा सिर्फ नाइन्टी रख दो तो साइन नाइन्टी कितना हो जाएगा वन तो टू किलोमीटर भाई आ जाएगा ना नहीं आ जाएगा अब सोचो इसका क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास एक अनंत लंबाई का रॉड है एक इनफाइनाइट लेंथ का जो है सो रॉड है और पॉइंट इसके बहुत पास में है तो आप कह सकते हो वो पॉइंट इस रॉड के एग्जैक्टली exactly बीच में है ये समझने वाली बात है आप नहीं समझे नहीं समझे समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि मैं कह रहा हूं कि एक इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है और उसके बहुत पास में किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और आप कह रहे हो टू के ठीक है तो हमने अलग पढ़ा लेकिन यहां, वहां हमने इस बात का डिस्कशन नहीं किया था यहां पे हम इस बात का डिस्कशन थोड़ी कर रहे हैं कि अनंत लंबाई का रॉड है तो ये जो आप पॉइंट ले रहे हो वो अनंत लंबाई का रॉड के बीचों बीच है कि ऊपर है कि नीचे है ऐसा डिस्कशन चल रहा था क्या नहीं चल रहा था लेकिन इसका सेंस क्या जाता है आप सोच के देखो अगर आप अनंत लंबाई के रॉड की बात कर रहे हो तो आप अगर किसी भी पॉइंट से सोचो सोचो किसी भी पॉइंट से आप अगर कुछ डिस्टेंस पे चल के आ रहे हो तो वो लाइन एक्टली लेंथ का, हाँ, तो का जो कॉन्सेप्ट जैसे मैंने एक लाइन खींचा ऐसे रेखा खींचा तो मैं बोलूँ कि एक रेखा है ये लाइन है इसका ठीक मिड पॉइंट बताओ मध्य बिंदु बताओ जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दे तो कोई बच्चा बोलेगा देखा इतना बड़ा है एक्जैक्टली exactly यहां डालेगा उसको तो यही समझ में आता है लेकिन लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं अगर आप यहां भी डाल दिए तो यह भी मिड पॉइंट है क्यों अरे यार क्योंकि इसका लेंथ इनफाइनाइट है है ये तो बात और है कि ये तीर लगा के यहां पर रोक के दिखाया गया ये तो और बढ़ सकता है ना इधर नहीं आया समझ में मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है अरे बोलो हाँ तो अगर मैं बोलू

सिर्फ इसमें क्या बचेगा यूआई बचेगा नहीं सिर्फ क्या बचेगा EX बचेगा। टू के है सबको चलो तो आप नोट कर सकते हैं करना चाहें तो इसमें हेडिंग क्या लगाएंगे बताइए आप यदि बिंदु रॉड के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा पर हो बस ये हेडिंग आप लगा सकते हो तो इस कंडीशन में यहाँ तो लिखा ही मैंने अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा देखो अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन दे सकता हूँ और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा ये सब ओहो हो क्या, होगा? क्या नहीं होगा अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं ठीक है आपको सोचना है ये यहाँ पर जो है सो कि स्क्वायर है वर्ग है और इस वर्ग वर्ग की पता आपको है आपको चारों गुजाएँ क्या होती हैं बराबर होती हैं इस स्क्वायर के सेंटर पॉइंट पे जो केंद्र बिंदु होगा जो ठीक बीच वाला पॉइंट होगा यहाँ पे आपको जो है सो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करने हैं और चार्ज देख लो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है क्लियर ठीक है इस, इस स्क्वायर का जो साइड है वो है फोर सेंटीमीटर कितना है बोलो? तब है बोलो सेंटीमीटर वाला, है, 4 वाला पर ऐसा कुछ ठीक है मैंने आपको लैमडा दे दिया लेंथ दे दिया आपको ठीक है आपको सोचना है सॉल्व करना है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दूसरा जो लैमडा वहां पे है वही लैमडा यहाँ भी है तीनों क्वेश्चन के लिए लैमडा सेम में रख रहा हूँ ठीक है साइड भी सेम है बस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन कौन से साइड पे है ये कुछ ऐसा है फिर मैं कह रहा था ना कि अगर आप सही से कर लोगे तो एक से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिखा दूंगा वही आ गया चौथा तो क्या है चारों आ... आपको सॉल्व करके लाना है और मुझे पूरा विश्वास है जिसको ये ई एक्स ई वाई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है वो जो है सो कि सही से एकदम चारों का चारों बना देगा ठीक है बस आराम आराम से आप सोचना ठीक है हमेशा आपको सेंटर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करके लाने हैं ठीक है थीके? ये नोट किया जाए होमवर्क है आपके लिए चारों के लिए लैमडा सेम है साइड फोर सेंटीमीटर का स्क्वायर है ठीक है नोट किया जाए जल्दी से चलो ठीक है हो गया हो नोट कर लिया आपने आप ये सवाल पूछ सकते हो इसके अंदर कि सर अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपने इस बॉडी पे डाला है तो इसके बीच रिपल्सन होगा तो फिर ये फैलेगा क्यों नहीं ये स्प्रेड क्यों नहीं करेगा आएंगे हाँ ना एक सिस्टम पे आप कुछ अगर जैसे मान लो कि मैं क्या करूँ अगर ये मेरे पास एक बॉडी है इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज अगर डाल दूँ तो वो यहीं पर रहेगा ये क्या गारंटी है प्लस प्लस के बीच तो रिपल्सन होता है तो फिर वो फैलेगा कि नहीं फैलेगा और अगर पॉसिबल है कि एक दूसरे को दूर भागने वाले स्पेस खाली है तो क्यों नहीं जा सकता वो ठीक है लेकिन ध्यान रखना ये स्प्रेड जो है सो कि तभी पॉसिबल होता है जब ये बॉडी कैसा हो कंडक्टर का हो कैसा हो बॉडी कैसा हो कंडक्टर का हो अगर चालक है ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं चालक है तो आप उस उसपे अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हो तो पूरे वो बॉडी पे फैल जाएगा लेकिन अगर कोई इंसुलेटर है जैसे आप इन्हें पढ़ा होगा कि कंघी को जब हम बालों से रगड़ते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को वो खींच लेता है पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने पढ़ा है तो आप जब कंघी को अपने बालों से रगड़ते हैं तो वो जो कंघी का सामने वाला सरफेस होता है वो चार्ज होता है ना कि पूरा कंघी चार्ज हो जाता है आई बात समझ में ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इंसुलेटर होते हैं ना जो कुचालक होते हैं उनके पास क्या होता है कि जो चार्जेस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव नहीं करते फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते

जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो इसको न्यूट्रलाइज कर जाते हैं और वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है तो हम ऐसे कहते हैं कि ये प्लस वाला यहां चला गया नहीं समझे वाह क्या बात है समझ तो में आया कि नहीं है फिर से सोचो ये जो इलेक्ट्रॉन थे फ्री वो चल के आके इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिए तो जहां से आया वहां प्लस गया कि नहीं गया वहां प्लस आएगा कि नहीं आएगा भैया तुम तो किसी को छोड़ के आ रहे हो

भैया धकेल रहा चलो भागो कहां से जाएगा नहीं जा सकता पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं भागता जाता कौन है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी बॉडी पे थोड़ा सा किसी भी एरिया पे डाल रहे हो ठीक है अगर 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 मैं इसको यहाँ रगड़ू ना तो चार्ज जो भी क्रिएट होगा वो पूरे बॉडी पे नहीं फैला क्योंकि इंसुलेटर है अगर यही कंडक्टर होता मैं यहां रगड़ता पूरे बॉडी पे चार्ज फैल जाता ऑटोमेटिकली फैल जाता और कैसे फैलता वो कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ समझ तो आ रहा है तो इसमें आप ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर ये अगर स्प्रेड नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा अगर करेगा तो कब करेगा सवाल ये था ठीक है वैसे सोचने के लिए एक अच्छा चीज आकांक्षा ने बोला क्या कि सर आप निगेटिव भी ले सकते हो लेकिन निगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि निगेटिव लोगे तो इस बात का ज्यादा चांसेस है कि निगेटिव क्या है बेसिकली सोचो निगेटिव है इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना अरे बोलो हाँ ना कोई चीज न्यूट्रल था उसमें आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो माइनस आएगा कि नहीं है तो जब एक्सेस एव इलेक्ट्रॉन है तो वो भाग के तो जा ही सकता है तो कहीं प्लस क्रिएट है कहीं किसी को इलेक्ट्रॉन की कमी है एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसमें डाल रखा है तो भाग के जाकर टेंज नहीं कर देगा उसको अरे बोलो है ना तो ये चीज़ें क्या है कि एक ही सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव डालना थोड़ा सा टफ काम है आई बात समझ में ठीक है तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा तो अब ये क्वेश्चन आपको परफेक्ट लगेगा और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है सोच क्या हो ठीक है चलो इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा दे एक एक प्लीज एक। ना एक एक, एक।, एक, एक। ना, क्या <laughs> तुम लोग भी करते हो चलो तुम लोग क्या मैं कर रहा हूं अभी ध्यान दो सुनो सुनो इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो बिल्कुल मैंने स्वीकार कर लिया भाई अब बोल के मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो तुम तो? चलो ये जो है सो त्रिभुज है क्या बोलो इक्वीलेटर क्या बोलो ट्रायंगल त्रिभुज है इसके तीनों भुजा की जो लंबाई है वो है फोर सेंटीमीटर चार से कुछ ज्यादा नहीं लगा है मेरे को बार बार मेरा हाथ चार लिख रहा है चार सेंटीमीटर ठीक है इसके सेंटर वाले पॉइंट पे इस ट्रायंगल के सेंटर वाले पॉइंट पे आपको फाइंड करके लाना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे जो लैमडा है वो फो फोर कूलम पर मीटर ठीक है तो आज हम लोग फ्लक्स शुरू करते करते रह गए फ्लक्स शुरू नहीं हो पाया हम्म हाँ कल ही होगा क्या कहा जाए नहीं अभी जाए नहीं बैठे रहो चुपचाप ये समझ में आया तुरंत वास्तव भर कर तैयार हो जाता है सब तुम लोग ना मतलब कुछ कुछ मामले में बहुत सीनियर हो जाते हो ठीक है और कुछ कुछ मामले में ना आंगनबाड़ी का लड़का लड़की हो जाता है ऐसा। कितना पढ़ना है ना जी है ठीक है बहुत पढ़ना रहता है ना। अब परीक्षा में पूछता है थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें से बनाना है थोड़ा सा वही में हम लोग फेल कर जाते हैं <laughs> है कि नहीं हाँ? अच्छा देखो तो अगर इस चीज से हम लोग अपने लाइफ के रिजल्ट का अगर अंदाजा लगाएं हम लोग अपने जीवन का अगर जो मतलब कम उम्र में चले जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो लोग औसतन अपने जीवन का साठ वर्ष और सत्तर वर्ष जीते हैं और अगर मान लो उनकी कोई जान पहचान नहीं है तो बात वैसे ही कुछ है कि पूरे साल आपने पूरे सिलेबस की पढ़ाई करी और आप फेल कर गए है ना आपके पास सत्तर वर्ष जीवन था और आप आ, आपको जो है सो कि दो गांव के लोग नहीं जानते हैं या याद नहीं रखे या जानते नहीं आपके बारे में आप कोई हिस्ट्री नहीं है कोई बातचीत नहीं करता आप आए दुनिया में और विलुप्त हो गए तो आपका आना या नहीं आना कोई फर्क डालता है क्या कुछ है क्या खत्म है फिर आप ठीक तो है सोचना चाहिए आप लोग सोचिएगा कि कुछ करेंगे कुछ करना चाहिए ठीक है